सभी यीशु प्रेमी लोगों को मेरा शालोम जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। आशा करता हूँ आप लोग मेरी आवाज़ सुनने में आप सक्षम होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे और जिस भी हालत में होंगे। अगर आपने मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, ये आपका सौभाग्य है और ये मेरा आनंद है, ये मेरा सौभाग्य है कि आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं और मैं भी आपके सामने ये वचन पहुँचाने का मुझे ये मौका प्रभु ने दिया है। प्रियो, आज मैं एक ऐसे खंड को आपके सामने रख रहा हूँ, खास तौर से उन लोगों से मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ, उन लोगों से जो प्रभु यीशु मसीह का वचन का दावी रूबहू करते हैं, जी उठने का, चंगाई का, बहुत सारे ऐसे चीजों का। आज उन लोगों के लिए मेरा प्रश्न है, अगर प्रभु यीशु मसीह जिस तरह से कह रहे हैं, उस वचन को जिस तरह से आज लोग दावी करते हैं और बिल्कुल ऐसा दावा करते हैं जैसे वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह के बाप है, जैसे प्रभु यीशु मसीह का वो एकदम सागरिद है, ऐसा लगता है कि जैसे धुला हुआ, दूध से धुला हुआ वो एकदम सागरिद है, या तो वो यीशु मसीह से भी आगे बढ़कर है। उन लोगों से मेरा ये सवाल है, अगर ऐसा है, ये यीशु मसीह ने जो वचन कहा था कि यीशु ने जो वचन कहा कि मैं जो है पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है ये वो यदि मर भी जाए तो भी जी उठेगा अथवा जिएगा, ठीक है। इंग्लिश में भी सेम यही चीज है, ठीक है, इंग्लिश में भी यही चीज है, कोई फर्क नहीं है। आई एम द रेजुरेक्शन एंड द लाइफ, ही हु बिलीव्स मी, बिलीव्स इन मी, दो ही डाई एट शैल बी अलाइव, ठीक है। ये चीज मैंने इंग्लिश में, हिंदी में और नेपाली में डाला है। आज के विश्वासियों को, आज के पास्टरों को, आज के हर एक जो दावा करते हैं, जो रूबहू परमेश्वर का वचन को बिना सोची समझे दावा करते हैं, उनके लिए मेरा प्रश्न है, अगर ऐसा ही है, यीशु मसीह ने जिस तरह से कहा मैं पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वो मर भी जाए फिर भी जिएगा, अगर आप इस बात को आज इस तरह से बेसमझ से आप प्रस्तुत करते हैं लोगों के सामने, आज जिस हालात में लोग मर रहे हैं, जिस हालात में लोग छोटी सी उस कोरोना के कारण से जो आंख से हम नहीं देख पाते, छोटा सा वो छींक मारने से लोगों की जान जा रहा है, उतना ही नहीं लोगों का पेट थोड़ा आगे बढ़ने से, लोग थोड़ा आउट ऑफ साइज होने से, शरीर में जो हट्टा हष्ट पुष्ट होने के लिए वो खाते पीते लोग हैं, जो शरीर से बाहर अथवा साइज से बाहर, अपने वजन से बाहर जब निकल जाते हैं तो वो अपने शरीर को कब खो जाता है, वो कब जान गुमाता है, कब उसका जाप्राण निकलता है, किसी को पता नहीं चलता है। आज बहुत ऐसे केस है जिसको हार्ट अटैक बोलते हैं हम लोग, जिसको आज बहुत सारे रोगों का हम नाम दे सकते हैं, चाहते हुए भी अच्छे अच्छे जवान लोग, अच्छे अच्छे जवानी लोग, अच्छे अच्छे माता पिता लोग, अच्छे अच्छे बच्चे जो मर जाते हैं, और वो मरने वाले केवल हिंदू मुस्लिम और बाकी धर्म के लोग ही नहीं है, वो अच्छे अच्छे विश्वास लोगों में से हैं। क्या उन लोग में से आज जितने भी मरे हैं उस परिवार में जो मृत्यु हुआ है, वो मृत्यु जब हुआ होगा वो क्या एक व्यक्ति के लिए, उस परिवार में एक व्यक्ति का मृत्यु क्या इतना इजी होगा, कितना सरल होगा, इतना आसानी होगा जो हम लोग आराम से उसको आप भूल जाते हैं? नहीं, नहीं प्रियो, ये बहुत दर्दनाक, बहुत खतरनाक, बहुत ही पीड़ादायक मृत्यु हो सकता है। आपको पता है जब हमारे डीजेस दिनाकरन का जो उनका बेटी मर गया था, उस समय डीजेस दिनाकरन ने 2-3 दिन अपने घर में रख के खूब दुआ किया, 2-3 दिन के बाद भी आखिर में उनका बेटी जी नहीं उठा। दुनिया को वो कितना प्रचार किया, कितना पुनरुत्थान का प्रचार किया, कितना जी उठने का प्रचार किया, कितना उन्होंने कईयों बीमारियों पर हाथ रख के कईयों बीमारियों को ठीक किया, कई लोग चंगे हुए, लेकिन क्या मृत्यु से उनके बेटी जी उठा? आज अच्छे अच्छे उदाहरण मैं आप दे सकता हूँ, अच्छे अच्छे जवान प्रभु के दास दासी
जो दूसरे के लिए बहुत क्लेम करते हैं, दूसरे के लिए ऐसे प्रचार करते हैं, लेकिन क्या आज ये चीज आपके घर में जब बीत जाता है तो क्या ये चीज आज यीशु मसीह का वचन आपके जीवन में पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, क्या मतलब है? प्रियो, आज इस कोरोना के महामारी से बहुत अच्छे अच्छे लोग, जवान जवान पास्टर्स, जवान जवान विश्वासी लोग, जवान जवान अच्छे अच्छे पत्रकार, अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स, अच्छे अच्छे जो घराने से, जो कभी किसी ने नहीं सोचा था कि जीवन में वो क्या करने वाले थे, आने वाले दिन में उसका क्या उम्मीद था, उसके परिवार का क्या उम्मीद था, क्या उसको रोक पाया वो मृत्यु, वो काल, वो दशा? प्रियो, अगर ऐसा ही हो, जिस हिसाब से प्रभु यीशु मसीह ने वचन बोला है, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो मर भी जाए जी उठेगा, आज कई ऐसे क्रिश्चियन कंट्री है जहां पे प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, क्या सब लोग जी उठे हैं या नहीं? प्रियो, इस बात को आपको हमें समझना है, या तो बाइबल वचन गलत है या तो हम गलत समझ रहे हैं, दोनों में एक हो सकता है, या तो हमें गलत समझा रहे हैं या तो हम गलत समझ रहे हैं, या तो यीशु मसीह गलत है। प्रियो, मैं आपको दावी से आज कहता हूं, आपको अच्छे से समझना होगा बाइबल, आपको बाइबल अच्छे से समझना होगा, ऐसे अंधाधुन में प्रचार नहीं करना। अंधाधुन में अगर ऐसे प्रचार करोगे बेमतलब से, बेसमझ से, अगर आप यीशु मसीह का वचन को दावी करोगे, सिर्फ एक तरफ देखने से नहीं होता, एक तरफ से रोटी नहीं पकता, एक ही हाथ से ताली नहीं बजता है। बाइबल को समझना है, बाइबल में बहुत ऐसी चीजें हैं जो कोई संदर्भ है, कुछ कारण है, कुछ मतलब है, यीशु मसीह को वो कहना, वो करना, वो बोलना उनके लिए उस समय इतना इजी नहीं था, जिस तरह से आप बचन, जिस तरह से टाई सूट पहन के, अच्छे अच्छे गाड़ियों में घूम के, अच्छे अच्छे गाड़ियों में बैठ के, अच्छे अच्छे एसी का हवा खा के, जिस तरह से आप ऑफिस में ठाट अपने घूमने वाले चेयर में बैठ के जिस हिसाब से बोलते हैं, उस हिसाब से आप जिस तरह से इतना इजी से प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया, बहुत ही इजी से एक दूसरे को बताते हैं विश्वास करो, प्रभु यीशु मसीह ऐसा करता है, ये करता है, वो करता है, जिस हिसाब से आप एक दूसरे को गुमराह करते हैं, एक दूसरे को प्रलोभन करते हैं, एक दूसरे को बहुत ही अट्रैक्शन करते हैं, आकर्षण करते हैं, उस समय जब यीशु मसीह अपने आप को साबित करने के लिए कि मैं एक पुनरुत्थान और जीवन मेरे हाथ में है, मैं हूं और मैं पिता परमेश्वर का एकलौता पुत्र हूं, मैं और मेरा पिता एक हूं बोलकर लोगों को वो बात साबित करना कितना मुश्किल था उस समय। प्रियो, आज अगर ये काम नहीं करता यीशु मसीह को कोई नहीं जानता, यीशु मसीह को कोई नहीं जानता कि वो खुदा का बेटा है अथवा परमेश्वर स्वयं इस धरती पर जमीन पर उतर के आए हैं। प्रियो, आज जिस हिसाब से मसीहों का संख्या जिस तरह से मशरूम की तरह बढ़ रहा है, प्रियो, जिस हिसाब से मसीहों की संख्या को लोगों ने कैमरे में कैच कर रखा है, वो सर को गिनकर, उस हिसाब से उस समय विश्वास दिलाना लोगों को मुश्किल था। प्रियो, आपको समझना होगा प्रभु यीशु मसीह का वचन को जिस हिसाब से आज आप क्लेम करते हैं, मैं उन लोगों से, उन चंगाईकर्ताओं से मैं आज पूछना चाहता हूं, जिन जिन घरों में आज जवान जवान पति, जवान जवान पत्नी, बच्चे या कोई भी हो सकता है, उन परिवारों में जाके आप क्या जिला सकते हैं यीशु मसीह के नाम से? मेरा ये प्रश्न है आपसे, इसलिए आपको हमें बाइबल को बहुत सोच समझ के प्रचार करना होगा। आप धार्मिक प्रचार न करें, जो व्यवहारिक है उसको प्रचार करें, आप धार्मिक प्रचार न करें। अगर इतना धार्मिक आप है तो आप यीशु मसीह से अच्छा धार्मिक नहीं बन सकते हैं, यीशु मसीह से अच्छा निष्पाप नहीं बन सकते हैं। यीशु मसीह निष्पाप और कलंक रहित और सिनलेस व्यक्ति थे। प्रियो, आप नहीं है, आप भ्रष्टाचारी है। आप पैसे के नाम पर पैसे शोषण करने के लिए, पैसे खींचने के लिए किसी तरह से लोगों को प्रलोभन दिलाते हैं, किसी तरह से लोगों को आप गुमराह करते हैं। प्रियो,
अगर आप प्रभु यीशु मसीह के वचन का दावी करते हैं, सही तरीके से आपको दावी करना होगा, सही तरीके से प्रभु का वचन को क्लेम करना होगा, सही तरीके से रूबहू परमेश्वर ने जो कहा, यीशु मसीह ने जो कहा, उसको सिर्फ बताने का आपका मैसेंजर का काम है। आप सिर्फ पोस्ट मास्टर है, आप सिर्फ पोस्ट मास्टर है प्रियो, आप सिर्फ पोस्ट मास्टर है। आपको जो दिया जाता है वो ही करना होगा, ठीक है। यीशु मसीह ने कहा, मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूं। हमारा काम है, हमको ये कहना होगा कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूं। हमारा काम है ये बताने का, हमारा काम है, यीशु मसीह ने कहा है मैं संसार की ज्योति हूं। हमें ये कहना होगा, यीशु मसीह ने कहा है, यीशु मसीह संसार का ज्योति हूं, ठीक है। हमें ज्यादा अपने आप को उससे बढ़कर नहीं जाना है, अपने आप को बढ़कर नहीं जाना है। बहुत मार खाएंगे आप लोग आने वाले दिन में, मसीह लोगों, आप लोग आने वाले दिन में बहुत मार खाएंगे, बहुत मार खाएंगे, कोड़े पड़ेंगे। वो कोड़ा 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 जो यीशु मसीह को लगा था, उससे भी ज्यादा कोड़ा लगेगा आपको। इसलिए सोच समझ के प्रचार करना होगा, सोच समझ के प्रचार करना होगा। मेरी बात आपको ध्यान से सुनना होगा। मैं मसीह विरोधी नहीं हूं, मैं मसीह प्रेमी हूं, मैं मसीह प्रेमी हूं, लेकिन आज यीशु मसीह के नाम से, चंगाई के नाम से लोगों ने अपना बड़े बड़े हवेली को खड़ा किया है, बड़े बड़े अपने आप को राजा बनाया है, बड़े बड़े राजकुमार बनाते हैं, बड़े बड़े साहब बना चुके हैं, बड़े बड़े अपने आप में बहुत ही भिखारियों से आज अमीरी बन चुके हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आपने अपने पहुनाई को नहीं समझा है, आपने अपना चरवाही को नहीं समझा है, आप अपने कर्तव्य को भूल चुके हैं। आप कौन है, आपको क्या जीवन दिया है यीशु मसीह ने, आपको क्या जीवन दिया है, आपका पद क्या है, आपका टाइटल क्या है, आप भूल गए हैं। यीशु मसीह के नाम से मैं आपको आज ये बात फिर से दोबारा याद दिलाना चाहता हूँ। रिमेंबर द वर्ड ऑफ गॉड इन राइट वे, सही तरीके से यीशु मसीह का वचन को पकड़े, नहीं तो अगर रूबहू आप यीशु मसीह का वचन को अपने आप को बढ़ चढ़कर, अपने सिर से ऊपर और यीशु मसीह से भी ज्यादा अपने आप को धर्मी समझकर, बहुत चंगाई करता समझकर, दो गुना चार गुना आप बहुत ही शक्ति सामर्थ्यवान समझकर आप चलेंगे, तो मेरे पास बहुत सारा क्वेश्चन है। या तो आप मेरे को नास्तिक कहेंगे, या तो आप मेरे को आस्तिक कहेंगे, या तो आप मसीह विरोधी कहेंगे, या तो आप मसीही का प्रेमी कहेंगे, ठीक है। प्रिय मंडलियों, प्रिय प्रचारकों, प्रिय पास्टरों, आप उतना ही सीमित रहे प्रभु के वचन से, वचन के ऊपर नहीं, नीचे। प्रभु का वचन को सिर पर रखें, प्रभु का वचन को सिर पर रखें, और सिर से नीचे आप है। आपको हमें इस तरह से जीना है, इस तरह से समझना है, इस तरह से चलना है, ठीक है। इस धरती में चलना सीखना है, इस धरती में बोलना सीखना है, इस धरती में खाना सीखना है, आपके शरीर के बारे में आपको समझना है, आपके शरीर के बारे में आपको समझना है। अगर आपके अपने शरीर के अंदर जो सिस्टम है, आज आपके शरीर के अंदर जो खाना खाते हैं, वो खाना पचाते हैं, उस चीज को नहीं समझ पाते हैं। अगर आप पानी पीते हैं, वो खून बन जाते हैं, उस चीज को नहीं समझ पाते हैं। छोटा सा एड्रिनल ग्लैंड, छोटा सा एक तिलिया, एक स्प्लीन खराब होने के कारण से इंसान की हालत ऐसी की तैसी, जीना हराम हो जाते हैं। छोटा सा हड्डी खिसकने के कारण से, छोटा सा कुछ नस खिसकने के कारण से लोग ऐसी की तैसी हो जाते हैं। आप अपने आप को क्या समझते हैं, आप अपने आप को क्या समझते हैं, जो आज आपके शरीर के सिस्टम से क्या आप बढ़कर आप डॉक्टर हैं? परमेश्वर ने जो सिस्टम को ठहराया है, जो सिस्टम को परमेश्वर ने ठहराया, अगर उसमें से एक ग्रह नक्षत्र, अगर उसमें से हमारे एक सिस्टम भी अगर काम करना छोड़ दिया, फिर क्या होगा? आपका हालेलुया आमीन प्रेज द लॉर्ड कहां जाएगा? प्रिय मसीह भाई और बहनों, पास्टर प्रचारकों और चंगाईकर्ता लोग, जितना हो सके ये वचन वहां तक पहुंचाओ जो अपने आप को गॉड समझते हैं, जो अपने आप को भयंकर समझते हैं, जो अपने आप को मुझे प्रभु ने सात गुना आशीष दिया। यीशु मसीह ने कहा कि तुम लोग मेरे से बड़े बड़े काम करोगे, कुछ कारण से कहा था वो तुमको नहीं कहा था, कुछ कारण से कहा था वो तुमको नहीं कहा था, यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था, यीशु मसीह ने अपने 11 चेलों से कहा था। प्रियो, आप में से वो नहीं है, आप में से वो नहीं है, रिमेंबर, आप में से वो नहीं है जो यीशु मसीह के साथ साथ चलते थे, आप में से वो नहीं है सब कुछ छोड़ छाड़ करके यीशु मसीह के साथ जो नंगा पैर चलते थे, आप में से वो नहीं है। मेरी बातों को ध्यान से सुनना, बाइबल को सही तरीके से समझना है, बाइबल को अपने
जीवन का आधार मत मानना, पेट का पेट पालने का आधार नहीं मानना, अपना बहुत बड़ा बड़ा हवेली बनाने का आधार नहीं मानना, अपना नाम का धारारा ऊपर करने का आधार नहीं मानना। जीवन जीना सीखना है, बाइबल को अपने जीवन का गाइडलाइन बनाना है, बाइबल को अपना जीवन का एक सिस्टमेटिक आधार बनाना है। हाउ टू लिव इन दिस वर्ल्ड, कैसे जीना है, कैसे बोलना है, ठीक है। इसलिए मैं आपको आज बताना चाहता हूँ, अगर आपके पास मेरा प्रश्न का उत्तर है तो आज जिस हिसाब से जवान जवान अच्छे अच्छे लोग एक चीनी ज़्यादा चीनी का मात्रा ज़्यादा होने से लोगों का रातों रात उस घर से आज जान चली गई है, आज उस घर में जितने भी परिवार है उनका हालत क्या हो सकता है, अगर उसके जगह में आप होता तो आपका क्या होगा। जिस हिसाब से आप बोलते हैं, जिस हिसाब से आप सुरक्षित पाए जाते हैं, जिस हिसाब से पैसे के बलबूते में आप जीते हैं, और कुछ भी हो गया तो पैसा आपके पास है, आप बहुत तुरंत इलाज करते हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं होता तो फिर क्या आप आज तक जिंदा रहता? क्या आज तक आप यीशु मसीह का नाम लेकर जिंदा रहता? आपके पास बहुत बड़े बड़े डॉक्टरों का कॉन्टैक्ट है, बड़े बड़े डॉक्टरों के आपके लिंक है, डॉक्टरों बड़े बड़े हॉस्पिटल से आपका लिंक है, बड़े बड़े पुलिस ऑफिसरों का आपका लिंक है, बड़े बड़े वकीलों का आपसे लिंक है। प्रियो, ज़्यादा यीशु मसीह का नाम लेके दूसरों को बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करना, ठीक है। यीशु मसीह का वचन बहुत सख्त अपने समय में था, यीशु मसीह का वचन प्रभु के दास जो करते थे, जो कहते थे वो करते थे। तुम एक पत्ता भी नहीं ला सकता है, तुम एक पत्ता भी ईसा नहीं ला सकता है यीशु मसीह के नाम से। मैं तुम्हें दावी देता हूँ, या तो तुम जियो यीशु मसीह के चेले की तरह, या तो तुम जियो पुराने में यीशु मसीह के लोग कैसे जीते थे, नहीं तो ये बकवास बंद कर जो तुम सुनाते हो, तुम लोगों को भरमा रहे हो, तुम लोगों को धूत रहे हो, तुम लोगों को लूट रहे हो, ठीक है। जितना प्रभु का वचन जिस हिसाब से, जिस संदर्भ में, जिस समय में कहा था, जिस कारण से कहा था, उस कारण को समझाओ, उस समय जिस हिसाब से, जिस संदर्भ में, किस कारण से जो यीशु मसीह ने बोला था, उसको तुम्हारा काम है समझाने का, हमारा काम है समझाने का। ओनली टू इंटरप्रेट, टू एक्सप्लेन आवर जॉब, नॉट टू गो अप। उससे आपको ऊपर नहीं जाना है, आप पोस्टमैन है, आप चरवाहा है, एक चरवाहा, आपका नाम है चरवाहा, ठीक है। आप ज्यादा अपने आप को सिहाना मत समझना, तुम कुछ भी नहीं हो, तुम धरती में कुछ भी नहीं हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। जब समय आता है ना, तुम कुछ किसी को कुछ एक कौड़ी का तुम मदद नहीं कर सकते। क्या तुम ज्यादा बोलते हो? तुम ज्यादा बोलना मत करो, बंद करो ये धार्मिक प्रचार, बंद करो। तुम अपना जीवन से दिखाओ, यस तुम्हारे पास यीशु मसीह है, तुम्हारे पास यीशु मसीह का वचन है, तुम्हारे पास यीशु मसीह का वचन ही नहीं है, यीशु मसीह का प्रेम भी तुम्हारे अंदर छुपा हुआ है, यीशु मसीह का कार्य तुम्हारे अंदर छुपा हुआ है, वो दिखाओ समय आने पर। प्रियो, याद रखना, आज मैं इस वचन को आपके सम्मुख पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। जब आप सुबह उठोगे, एक बार घुटने में पड़कर सुनना और समझना तुम कहां तक गहराई में हो, तुम कितना दूध में, कितना पानी में डूबे हुए हो। याद रखना, जितना तुम्हारा काम है उतना ही बाइबल का प्रचार करना है, और वो प्रचार तुम्हारे जीवन में, हमारे जीवन से होके जाना है। सिर्फ पंडिताई का काम नहीं करना है, ऐसे पंडिताई का काम से हम लोग विमुख होके यीशु मसीह के राज्य में आए हैं। पंडिताई का काम देख के, पुरोहितों का काम देख के, कईयों पूजा पाठ शस्त्र अस्त्र वस्त्र सब कुछ देख के हम यीशु मसीह के पास आए हैं, ठीक है। यीशु मसीह के पास इसलिए आए हैं कि हम एक मरे हुए जिंदगी जी रहे थे, एक कोई निशाना विहीन जी रहे थे, कोई उद्देश्य विहीन जी रहे थे, लेकिन वो भी हमारे लिए एक मृत्यु था। अगर आज मैं यीशु मसीह को विश्वास नहीं करता तो सचमुच मैं जिंदा 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 होते हुए मेरा मरा हुआ एक जीवन था। मैं उसको मानता हूँ, यीशु मसीह जीवन देने वाला परमेश्वर है। आज यीशु मसीह ने कहा है, ये सो रहा है, लाजरस सो रहा है, मर नहीं रहा है। आपको पता होना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह जो कुछ भी करते थे, जो कुछ भी यीशु मसीह के टाइम में होते थे, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, जो कुछ भी होता है परमेश्वर की महिमा के लिए होता है। क्या आज सब परमेश्वर की महिमा के लिए होता है? क्यों होता है? कब होता है? कब बता सकते हैं? यीशु मसीह के द्वारा जो बात कही गई थी, क्या वो बात आज परमेश्वर की महिमा के लिए हो रहा है?
हो रहा है या बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है मंडली के लिए, चर्च वाले के लिए। कईयों जवान पास्टर का हार्ट अटैक हुआ है, कईयों जवान पास्टर का चीनी रोग के कारण मर गया है, कईयों जवान पास्टर लोग आज मोटरसाइकिल के एक्सीडेंट से कारण से मर गया है। आज क्यों यीशु मसीह रक्षा नहीं किया, क्यों तुम्हारा परमेश्वर का वचन रक्षा नहीं किया, क्या कारण है? यीशु मसीह तुम्हें सद्बुद्धि दिया है, यीशु मसीह तुम्हें सद्बुद्धि दिया है कैसे सड़क में चलना है, यीशु मसीह तुम्हें सद्बुद्धि दिया कितना खाना है, यीशु मसीह तुम्हें सद्बुद्धि दिया है कब सोना है कब जगना है, यीशु मसीह तुम्हें सद्बुद्धि दिया तुम्हारा परमेश्वर जो मंदिर है, तुम्हारा परमेश्वर का मंदिर है, तुम्हारा शरीर जो है परमेश्वर का मंदिर है, उसको नष्ट किया जाएगा। प्रियो जो भी होता है अच्छा होता है, प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, जो भी होता है भलाई के लिए होता है। इसलिए याद रखना, जितना जैसे समझना चाहिए बाइबल को उसी हिसाब से समझना है, उससे ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन है, अगर हद से ज्यादा इंसान बोलेगा, अपने सर से ज्यादा इंसान बोलेगा, बेमतलब से इंसान बोलेगा, तो याद रखना तुम्हारे पास एक उत्तर भी नहीं होगा जब मैं प्रश्न पूछूंगा। चाहे किसी भी डॉक्ट्रिन को तुम पेश करो, चाहे तुम अन्य भाषा के बारे में बोलो, चाहे चंगाई के बारे में बोलो, चाहे वरदान के बारे में बोलो, चाहे कुछ भी तुम अपने चर्च के कलीसिया के खड़ा करने में बारे में बोलो, चाहे तुम जो भी विषय में बोलो, जितना तुम्हें प्रचार करना है उतना ही प्रचार करो। जो बात वहां कहा गया है हमारा काम है उस चीज को विश्वासियों को खुलासा करना है कि वो चीज वहां क्यों बोला, यीशु मसीह ने क्यों कुत्ता कहा, क्यों कुत्ता का रोटी, बच्चों को रोटी कुत्तों को मत देना, हाँ क्यों कहा कि तुम्हें पानी और आत्मा से जन्म लेना होगा, कोई कारण है, कोई कारण है, कुछ कारण है। यीशु मसीह आज उस चीज को कारण को बता रहे थे तो कुछ कारण था, उस कारण को बता रहे थे, उस शब्द को बता रहे थे तो कुछ कारण था, यीशु मसीह को अपना आइडेंटिफिकेशन देना था, तभी तो आज हम उसमें से विश्वास करने वाले लोग बने। अगर उन्हीं लोग विश्वास नहीं करते हैं, उन्हीं लोग विश्वास नहीं करते होते तो शायद अब आज हम लोग इतना इजी से विश्वास नहीं करते, इतना इजी से बाइबल प्रचारक नहीं बनते, इतना इजी से बाइबल का लेक्चरर नहीं बनते, जिस हिसाब से तुम बहुत ही अच्छे अच्छे ऑफिस में बैठ के लेक्चरर बनने हैं, बाइबल का लेक्चरर बन रहे हो, बड़े अच्छे अच्छे पोस्ट लेकर रेवरेंड डॉक्टर का उपाधि लेकर तुम जी रहे हो। आज ये करके दिखाओ, तुम्हारे पास अगर हिम्मत है तो, तुम्हारे पास तुम्हारी शक्ति है तो ये करके दिखाओ। जिस हिसाब से घर घर में एक छोटा सा करुणा का छोटा सा एक सिम्टम जो है इंसान का जान ले रहा है, छोटा सा चीनी का मात्रा बढ़ने से, प्रेशर का मात्रा बढ़ने से तुम्हारा हार्ट अटैक हो रहा है, तुम्हारे परिवार में हार्ट अटैक हो रहा है, वो परिवार कहाँ है, वो परिवार कहाँ है, वो व्यक्ति कहाँ है? तुम लाओगे, उठा के लाओगे, जिला के लाओगे, उठा के लाओगे, मृत्यु से उठा के ला सकते हो? मेरा प्रश्न है, अगर तुम इतना दावा करते हो। इसलिए याद रखो, तुम और हम सिर्फ मिट्टी का पुतला है, तुम और हम मिट्टी का पुतला है, सिर्फ मिट्टी का बना हुआ है, हमारे अंदर जीवन का श्वास फूंक दिया है, वो जीवन अच्छे से जीना है, वो जीवन अच्छे से जीना सीखना है, जस्ट लर्न टू लीव अ गुड लाइफ, ठीक है? इसलिए अपने आप को ज्यादा धार्मिक मत बनाना, अपने आप को ज्यादा वरदान युक्त शरीर नहीं बनाना है, अपने आप को बहुत ज्यादा भयंकर अन्य भाषाओं में से, विदेशी भाषाओं में से, विभिन्न स्वर्गीय भाषाओं में बात करने वाला नहीं बनाना है, ठीक है? जितना आप बन सकते उतना ही बनो, जितना ही बन सकते उतना ही बनो, अंधकार अंधविश्वास में गुमराह मत बनो, बस जीना सीखो, जीना सीखो। तुम्हें तुम्हारा जीवन जीवन देखकर हमें भी पता चले कि हाँ तो सचमुच तुम्हारे अंदर यीशु मसीह का प्रेम है, तुम्हारे अंदर हमारे अंदर यीशु मसीह का प्रेम है, सचमुच वो परमेश्वर का प्रेम हमें उंडेला है, परमेश्वर का प्रेम हमें उंडेला है, सचमुच हम एक मरे हुए इंसान को यीशु मसीह ने जीवन दिया है, सचमुच ये हमें पता चलना चाहिए कि सचमुच हम एक मर गए थे, एक मरा हुआ इंसान, एक लक्ष्यहीन इंसान, यीशु मसीह में एक सचमुच एक ज्योति मिलकर हमें ठीक तरीके से हम ओवर खावड़ को संभाल कर हम चल रहे हैं, उस पर हम संभाल के चल रहे हैं, हम लोग एक
बोलना नहीं जानने वाला व्यक्ति, हम लोग समाज में अच्छे से जीकर अच्छे से प्रेम भाव में रहने वाला व्यक्ति नहीं थे, आज हम प्रेम से जीते हैं। हमारा प्रूफ में दिखाना है, हमारा प्रूफ दिखाना है। यीशु मसीह ने एक सामरी को उदाहरण दिया, अच्छे सामरी को उदाहरण दिया, वो जो गरीब था लेकिन एक मरा हुआ इंसान को, आधा मौरा इंसान को उसने अपना पैसा जेब में ना होते हुए भी उसको ठीक किया, प्रियो उसको ठीक किया। क्या आपके पास होते हुए भी कुछ करते हो? आपके पास कुछ हो रहा है, कुछ जेब में है, बैंक में है, सब कुछ है, तेरे चर्च में सब कुछ है, तुम कर रहे हो कुछ? आज जब इंसान मर रहे हैं, आज मसीह परिवार लोग मर रहे हैं, आज गरीबी और भूखमरी से मर रहे हैं, किराया देने के लिए मर रहे हैं, बच्चों को पढ़ाने के लिए मर रहे हैं, किस तरह से आज लोगों का हालत इतना नाजुक है, इतना नाजुक है, तुम्हें वो फील हो रहा है? प्रियो पास्टर लोग, डू यू फील, डू यू हैव पैशन? यीशु मसीह ने क्या, जब लोगों को देखा, मुर्दों को देखा, वो तरसते थे, रोते थे, और सारा काम छोड़कर, सारा भीड़ों को पनसा कर वो उस जगह में खड़ा होते थे। तुम खड़ा होते हो, खड़ा होते हो रहे हो? मेरा प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर आपको देना होगा। अगर आप सच्चे यीशु मसीह का भक्त हैं, सच्चे यीशु मसीह के बंदे हैं, अगर आपके अंदर वो प्यास है, वो प्रेम है, वो दिल है, ठीक है, ज्यादा रिपोर्ट और सपोर्ट के पीछे मत भागना, रिपोर्ट और सपोर्ट के पीछे नहीं भागना है, रिपोर्ट और सपोर्ट के पीछे मत भागना है, अपने जीवन जीकर दिखाओ दूसरे को, ठीक है, और इस धरती का नमक का स्वाद बनकर हमें दिखाना है। यही मेरा चुनौती है। जितना बन सकते हो, जितना हम कर सकते हैं, वो तो हमें चैलेंज लेना है। यही मेरा प्रचार नहीं, आपको एक प्रहार की तरह मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। इस मसीह के वचन को उतना ही प्रचार करो जितना तुम समझते हो, जितना हम समझते हैं, जितना हमें समझना चाहिए। जिस कारण से तुम्हें पादरी बनाया गया है, जिस कारण से तुम्हें हमें पास्टर बनाया गया है, उसका खुलासा करने का, उसका भेद खोलने का, पैसा बटोरने का नहीं, लोगों को लूटने का नहीं, लोगों को गुमराह करने का नहीं, लोगों का जेब टटोरने का काम नहीं करने का, सिर्फ इंसान के हृदय जो बेचैनी है अंदर, कई चीजों से भरा हुआ है, उसको टटोराने का काम है, उसका खाली करने का काम है, अच्छे चीजों को भरने का और बुरे चीजों को खाली करके, वहां से निकाल के, उस गंदगी को निकाल के अच्छे चीजों को बसाना है, ताकि वो एक इंसान की तरह जी सके, उसके अंदर कम से कम एक दूसरे का क्षमा कर सके, कम से कम वो समाज में अच्छी तरह जी सके, अपने भाईचारों में रह सके, अपने परिवार में कम से कम मुस्कुरा के जी सके। इतना ही तो यीशु मसीह चाहते हैं, जिसमें यीशु मसीह ने कहा है, मैं तुम्हें प्रशस्त जीवन देने आया हूं। तुम्हारे पास वो प्रशस्त जीवन है जो दूसरे के लिए भी प्रशस्त हो रहा है? नहीं हो रहा है तो ढूंढो, नहीं हो रहा था ढूंढो, मांगो। यीशु मसीह ने कहा मांगो मांगो मांगो। प्रभु आप सब लोगों को आशीष दे, आशीष दे इस वचन से। मैं आज आपको चुनौती के साथ इस वचन को आपके सम्मुख पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आने वाले दिन में आप मार ना खाएं, मरे हुए को जिलाने की कोशिश करें। आपके शब्दों में जीवन है और उसी शब्दों में लोगों की मृत्यु भी है, लोगों का मृत्यु भी होता है। याद रखना, उस मृत्यु से हमें बचाना है। लोग जिस हिसाब से सारा कुछ, इंसान अब निराशित होके, निरुत्साहित होके अब मर रहे हैं, उसको जगाना है। अपने आप को सुसाइड कर रहे हैं, अपने आप को बिल्कुल बेकार समझ रहे हैं, बिल्कुल कुछ नहीं समझते हैं, अब इंसान अपने आप को खाली समझ रहे हैं, अब हमें प्रभु का वचन से भरना है, प्रभु के प्रेम से बढ़ना है, और उनको उत्साह दे के उनको वहां से, उस घाट से वापस लाना है। क्या तुम्हारे पास, हमारे पास हिम्मत है? प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला, मुख खोल, मैं तुम्हें वो वचन देता हूं जो मरे हो को भी जिला सकता है। हालेलुया, प्रभु आप सब लोगों को आशीष दे। आमेन।